गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप सभी का मैं ईडी परिवार के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का करंट अफेयर क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ये क्लास आप लोगों की डेली मॉर्निंग में पाँच बजे स्टार्ट हो जाती है तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा और इसमें हम लोग जो करंट अफेयर विद्यार्थी आप लोगों का पढ़ते हैं वो पी के अकॉर्डिंग यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और आपके राष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से गुड मॉर्निंग अनिल कुमार जय यहाँ पर हैं मुस्कान प्रिंस है ठीक है ना तो गुड मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग 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 ऑल डियर जितने भी विद्यार्थी पर ज्योति मिश्रा शनोवर बच्चा पूर्ति पांडे सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ तो चलेगा क्लास को शुरू करते हैं और इस दौरान बीच में आप लोगों की जो क्लास नहीं हुई थी उसमें जो भी सवाल रहे होंगे उसे भी हम लोग इन्हीं क्लासों में कवर करेंगे ठीक है ना तो चलिए शुरू करें क्लास को क्लास को शुरू करते हैं और आज के लिए हम लोग देखेंगे पहला सवाल देखिएगा ठीक की, है ना फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ब्लैक कर लेते हैं बैकग्राउंड चलेगा बेहतर है ठीक है हाँ, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा देखेगा क्वेश्चन कट तो रहेगा चलेगा ठीक है ना क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है कटक ओडिशा में आयोजित 2022 हजार ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो ये हमारे ओडिशा राज्य में इन खेलों का आयोजन हुआ ठीक है ओडिशा राज्य में इन खेलों का आयोजन हुआ तो महिला एकल का खिताब किसने जीता तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने इस खिताब को जीता किसने जीता है उन्नति हुड्डा ने ठीक है यहां उड़ीसा राज्य का नाम आया तो मैंने आपसे कहा था कि उड़ीसा राज्य से संबंधित एक सैंड आर्टिस्ट यानी किसका नाम सुदर्शन पटनायक का नाम आप लोगों ने सुना होगा ठीक है ना सुदर्शन पटनायक किस क्षेत्र से संबंधित है वो एक आपके सैंड आर्टिस्ट है क्या है विद्यार्थियों सैंड आर्टिस्ट है ठीक है चलिए देखिए उन्नति हुड्डा जिन्होंने क्या करा विद्यार्थी यहां पर यानी कि किसी स्मृति विद्यार्थी को हरा कर ओडिशा दो हजार बाईस ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब दो हजार बाईस में ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो कौन सा विद्यार्थी एडिशन था इस बार तो इस बार यह एडिशन था आपका कौन सा एक सौ दसवा एक सौ दसवा एडिशन था मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा कल भी मैंने बात करी और पहले भी कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में बाद में भी लिख सकते हैं आप लोग जिसको पता है है वो अभी लिख सकता है। जो ग्रैंड स्लैम है वो चारों से मिलकर बना हुआ है ठीक है ना चारों से किससे बना हुआ है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है उसके बाद आपका कौन सा आएगा फ्रेंच ओपन उसके बाद विद्यार्थियों विमलडन ठीक है ना और लास्ट में कौन सा आता है आपका यूएस ओपन तो ये तो किस सिक्वेंस में है यानी ईयर में यान समझो विद्यार्थियों किस तरह से ये आपका ये जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य होने वाले चारों इवेंट है अब आपको बताना है कि ये किस वर्ष प्रारंभ हुए या इसमें सबसे पुराना कौन सा है या किस वर्ष इनकी शुरुआत हुई समझो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन किस वर्ष शुरुआत सबसे पुराना इसमें विमल्डन है और विमल्डन अब तक दो बार स्किप हो चुका है एक तो विद्यार्थी आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और दूसरा 2020 में कोविड 19 की वजह से विमल्डन खेलों को क्या कर दिया गया था आपका रद्द कर दिया गया था ठीक है ना ये ध्यान दीजिएगा इन चारों को क्या कहते हैं आपका ग्रैंड स्लैम कहते हैं इन चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहते हैं तो मैं आपसे ये पूछ रहा था इसमें से सबसे पुराना कौन सा है या चारों किस वर्ष प्रारंभ हुए सबका आप लोग लिख के भेजिएगा ठीक है ना कमेंट्स बॉक्स में चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था विद्यार्थियों 17 से 30 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ जिसमें ठीक है तो ये मेलबर्न पार्क में हुआ था आपका ठीक चलिए जनवरी 2022 को को रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थियों इक्कीसवा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तो आपका किसने है? बिल्कुल राफेल नडाल राफेल नडाल कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है स्पेन को चलिए देखिएगा राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में शानदार वापसी करके एक रिकॉर्ड तोड़ा ठीक है एक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता ठीक है तो उन्होंने किसे हराया था विद्यार्थियों को दो छत और छह से हरा कर यह टूर्नामेंट जीता ठीक है चलिए अगला सवाल देखिएगा असनीर ग्रोवर यहां पर क्या दिया गया विद्यार्थियों अस्र ग्रोवर निम्नलिखित में से किस कंपनी के सह संस्थापक है असनीर ग्रोवर जो तो किसके संस्थापक है तो यहां पर क्या आएगा भारत पे भारत पे के क्या है विद्यार्थियों आपके सह संस्थापक ठीक है ना असनीर ग्रोवर भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक है आली में घोषणा करी कि वह मार्च के अंत तक क्या करेंगे अवकाश पर जा रहे ठीक है यह सोशल मीडिया पर सामने आया कि ऑडियो क्लिप के विवाद पर विद्यार्थियों कहने के बाद यहां पर समझो कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी को कुछ आ, कहा गया था किसके द्वारा अश्निर ग्रोवर के द्वारा ठीक है ना तो विद्यार्थी ये भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधित किया तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है सिंपल सा सवाल है कि आपके सामने कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है विद्यार्थी इसका वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है बिल्कुल 2021 में इन्हें दोबारा चुना गया था और अभी कौन है 2021 में इन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर तो रेखा शर्मा कौन है विद्यार्थी यहां पर तो रेखा शर्मा ठीक है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के तीसवें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया ठीक है चलेगा यहां पर क्या पूछा गया विद्यार्थी आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एंबेसडर ऑफ गुड डॉट गुड डॉट विद्यार्थियों के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर यहां किसे चुना गया तो यह चुना गया नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो और टोक्यो ओलंपिक में भारत को एकमात्र जो गोल्ड दिलाया था किसने दिलाया था गोल्ड मेडल विद्यार्थी तो प्लांट, प्लांट नीरज ने, चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेस्टर बनाया अपना ब्रांड एम्बेस्टर बनाया गया किसके किस द्वारा विद्यार्थी प्लांट बेस यहां पर मीट कंपनी जो है ठीक है अगला सवाल देखेगा सवाल पूछा गया हमारे पास बीसवें ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में किस भाषा की ड्रामा फिल्म विद्यार्थियों कुंजगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता ठीक है कुंजगल को कुछ और भी अवार्ड मिला था 2021 में कुंजगल देखिएगा यहां पर पूछा ये किस भाषा की फिल्म है पहले भी मैं इसके बारे में आपको चर्चा कर चुका हूं अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ था आपका तो ये ढाका के अंदर हुआ ना? और दो हजार बाईस का तो एशियाई को फिल्म का जीता। तो कौन सी में? या तमिल कन्नड़ या तेलुगु तो ये कौन सी भाषा में विद्यार्थी आपका तमिल भाषा में देखिएगा तो बांग्लादेश में विद्यार्थी यहां पर क्या दिया गया फिल्म कुंजीगल जो किसमें आपका कुंजिकल आपका तमिल भाषा में बनी हुई है किस में बनी है तमिल भाषा में बनी हुई जिसे 2022 में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में जो ड्रामा कैटेगरी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ठीक है ना देखिएगा अब यहां पर बांग्लादेश की बात आई ढांका यानी बांग्लादेश तो देखिएगा बांग्लादेश ठीक है हम लोग बात करें अगर बांग्लादेश की तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है कुछ इस तरह तो से बांग्लादेश विद्यार्थी आपको देखने को मिल जाएगा मैप के अकॉर्डिंग ठीक है तो यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ठीक है सबसे पहले तो बांग्लादेश और इसका कैपिटल क्या आएगा इसका कैपिटल आएगा विद्यार्थी आपका इसका क्या हो गया कैपिटल हो गया ठीक है संसद को किस नाम से जानते हैं तो इसकी संसद आपका पंचायत कह सकते हैं हम याद विद्यार्थियों संसद के नाम से जानते हैं ठीक है ठीके? इसकी जो करेंसी है करेंसी क्या आपका टका यहां की करेंसी हो गई टका क्या हो गई बांग्लादेश की करेंसी हो गई ठीक है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ज्वाइंटी एक्सरसाइज है उसे किस नाम से जानते हैं आप लोग तो सम्रीति के नाम से समीति विद्यार्थी के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? उसके साथ साथ जो नेवल एक्सरसाइज है उसे किस नाम से जानते हैं विद्यार्थी है आपका तो एक तो आता है आपका बोंगो सागर बोंगो सागर के नाम से भी जाना है क्या है नेवल एक्सरसाइज है ठीक है भारत के कौन कौन से राज्य है तो राज्य की बात करेंगे तो यहां से पश्चिम बंगाल इधर से आपको असम ठीक है ना मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये पांच राज्य आपको क्या दिख रहे हैं जो सीमा साझा कर रहे किसके साथ बांग्लादेश के साथ और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है देखिएगा भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी इसी देश के साथ है जिसे किस नाम से जानते हैं हम लोग तो थ्री बीघा कॉरिडोर कॉरिडोर के नाम से इसे जाना जाता सबसे छोटी जो सीमा है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा वो किसके साथ है आपका तो अफगानिस्तान के साथ है वो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है ठीक है और ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर याद रखने जैसे आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है ठीक है चलेगा आगे चलेंगे अगले सवालों पर अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 के सत्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कारों में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विद्यार्थियों राशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है ठीक है ना तो यह किसने जीता होगा स्मृति बंधाना किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह सम्मानित किया गया किसे स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया किसे किया गया विद्यार्थियों मंदाना आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ठीक है ना आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो यह किया गया किसे स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया ठीक है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2021 के लिए आईसीसी पुरस्कारों के सत्रवे जो संस्करण के विजेताओं की घोषणा करी है और जिसमें विद्यार्थियों पिछले लास्ट फाइव ट्वेल्व मंथ का जो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में एक जनवरी दो से लेकर इकतीस दो हजार के लिए ये सम्मान से किसे सम्मानित किया तो स्मृति मंदाना को इस सम्मान से सम्मानित किया गया ठीक है चले यहां पर पूछा गया क्योंकि देखेगा मैंने 26 जनवरी के बाद आपकी क्लास नहीं ली थी तो कुछ क्वेश्चन आपको पुराने भी आपको देखने को मिलेंगे पिछली एक दो दिन के अंदर जो क्लास नहीं ली थी आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया जितने भी नागरिक सम्मान है नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर भी जितने भी विद्यार्थियों जो नागरिक सम्मान है नागरिक सम्मान विद्यार्थियों ठीक है और कौन से हो गए सैन्य सम्मान सैन्य सम्मान जो है आपके तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं जैसे परमवीर चक्र समझ आपका और नागरिक सम्मान की अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न से लेकर पदम पुरस्कार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक तो देखिएगा विशिष्ट जो आपका सेवा पदक जो दिया गया तो ये किसे दिया गया नीरज चोपड़ा को किसे दिया गया विद्यार्थियों नीरज चोपड़ा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया समझो यानी कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी को विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित किया गया ठीक है परम विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें क्या किया गया सम्मानित किया गया असम सरकार के द्वारा जो प्रतिष्ठित विद्यार्थियों असम वैभव 2021 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है तो ये किया गया किसे बिल्कुल रतन टाटा जी को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से असम सरकार ने सम्मानित किया असम सरकार ने 24 जनवरी 2021 को दो को उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है असम वैभव से सम्मानित किया गया किसे रतन टाटा जी को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया कभी-कभार आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि असम वैभव पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है ठीक है तो ये किसे दिया गया रतन टाटा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया ठीक है देखिएगा पूर्वोत्तर भारत में अगर हम लोग असम राज्य की बात करें तो मैप के अकॉर्डिंग हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा असम राज्य विद्यार्थियों हमें मैप के अनुसार कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा है ना कुछ इस तरह से विद्यार्थियों हमें देखने को मिलेगा अपना असम राज्य मैं आपको बता दूं असम पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य देखे एकमात्र राज्य है जो सभी के साथ वहां पर सीमा साझा करता है असम ठीक है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है जो सेवन सिस्टर आते हैं ठीक है पहले तो देखिएगा इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगी है तो एक तो भूटान के साथ लगी है और दूसरा किसके साथ लगी है विद्यार्थियों तो बांग्लादेश के साथ ठीक है ना बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं दो देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और अगर राज्यों की बात करूं मैं तो राज्यों में कौन कौन से आएंगे आपके तो देखिएगा राज्यों में आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश कौन सा आएगा अरुणाचल आएगा ठीक है ना इधर से अगर आप देखेंगे तो नागालैंड आएगा नागालैंड इधर से आपका मणिपुर आ जाएगा यहां आपका मिजोरम आ जाएगा ठीक है इधर से आपका त्रिपुरा आ जाएगा और यहां से आपका मेघालय यह सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ क्या करता है सीमा साझा कर रहा है ठीक है असम राज्य तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग अनिल कुमार अनिल कुमार शाहू विद्यार्थी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो देखेगा देखिए अभी सिर्फ सवालों की तरफ ध्यान दीजिएगा बाकी कॉमेंट अभी सुबह आप लोग उठे हो जल्दी उठे हो तो पूरा का पूरा ध्यान क्लास पर दीजिएगा ठीक है बाकी बातें बाद में होती रहेगी अगर बात की जाए कि हमारे असम राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो वो भी तो याद होने चाहिए हमें कौन कौन से हैं जैसे आपको मानस याद है मानस राष्ट्रीय उद्यान जैसे विद्यार्थी आपको काजीरंगा याद है काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा ओरंग याद है आपको ठीक है ना ओरंग नेशनल पार्क नामरूप ये भी नेशनल पार्क है आपका डिब्रो सिकोहा ठीक है ना और पटकाई नेशनल पार्क भी कहां पर है यहीं पर है, ठीक लगभग सात नेशनल पार्क है असम राज्य में जिसमें से छह मैंने आपके सामने लिख दिए एक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है ठीक है ना तो देखिएगा हाँ अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो एक याद है मुझे कौन सा आपका बोर नदी बोर नदी आ, आपका क्या है वन्य जीव विद्यार्थी ठीक है ना बोर नदी आपका वन्य जीव ये कहां पर है वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी यहीं पर है ठीक है उसके साथ साथ यहां पर आपको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी देखने को मिलेगा माजुली ठीक है एक सवाल पूछा गया था कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है तो कामाख्या देवी मंदिर आप लोगों को इस लोकेशन पर देखने को मिलेगा कामाख्या देवी मंदिर असम में और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर असम राज्य में ही है कौन सी नदी के किनारे ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे और जगह कौन सी आपका गुवाहाटी बिल्कुल असम में जो असम का हाईकोर्ट स्थित है वो कहां पर है गुवाहाटी में तो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर गुवाहाटी की मैं बात करूं विद्यार्थियों तो गुवाहाटी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है एक तो कामाख्या देवी मंदिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी शहर में ही है ठीक है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट विद्यार्थियों ठीक है ना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है गुवाहाटी शहर के अंदर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 1958 में बना था उन्नीस में बना था तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को एक साथ यहां पर बता दी कहां से असम राज्य से ठीक है याद भी करते रहेगा और जैसे जैसे आप लोग लाइव आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा वीडियो को लाइक भी करते हाँ ना मेरी बहुत बढ़िया एक यहां पर कौन सा विद्यार्थी हो नाम रूप या नामेरी आपका क्या है नेशनल पार्क है कहां पर असम राज्य में ठीक है ना चलिए तो देखिए भारत का पहला अनोखा रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया होगा देखिए रॉक गार्डन अलग है जो आपका विद्यार्थी हो रॉक गार्डन था वो अलग है ठीक है ना रॉक गार्डन तो हमारा कहां पर है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन तो चंडीगढ़ के अंदर है जिसे नेकचंद सैनी के द्वारा किसके द्वारा सैनी के द्वारा, जिसे क्या किया गया था डिजाइन किया गया था लेकिन ये क्या है आपका तो यहां पर क्या आएगा है हैदराबाद के अंदर समझ लो हैदराबाद और हैदराबाद कहां पर है हमारा तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है मूसी किसकी सहायक नदी है मूसी हो गया और मंजीरा दो नदियों का नाम हम लोग तेलंगाना के अंदर पढ़ते हैं समझो तेलंगाना के अंदर हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थियों ठीक है मूसी और मंजिरा नदी तो दोनों के दोनों किसकी कृष्णा की सहायक नदी है ये मूसी नदी ये सभी किसकी सहायक नदी है विद्यार्थियों कृष्णा की सहायक नदियां हैं ठीक है मंजिरा मंजिरा रिवर याद रखेगा ठीक है उसके साथ साथ हैदराबाद में आप लोगों को मैंने बताया था इंडियन पुलिस अकेडमी यहीं पर आपका है चार मीनार है हैदराबाद में ठीक चलिए एक बुक है विद्यार्थी जो आप लोगों ने 2021 में कई बार पढ़ी होगी कई बार मैंने इस पर चर्चा करी गांधी असिशियन जिस बुक का टाइटल क्या है गांधी ठीक है ना द मेकिंग ऑफ नाथुर घोसले एंड इज आइडिया ऑफ इंडिया ठीक है ना तो ये किसके द्वारा लिखी गई है तो धीरेंद्र झा के द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है धीरेंद्र झा के द्वारा लिखी गई बुक है आए समझ में धीरेंद्र झा के द्वारा विद्यार्थियों बुक लिखी गई है चलिए अगला सवाल क्या पूछता हमसे चीनी विद्यार्थियों राजनयिक झांग मिंग ने 1 जनवरी 2021 को ठीक है ना 1 जनवरी 2021 नहीं आएगा 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है ठीक है ना ये 2022 आएगा विद्यार्थियों थी, ना 2022, 2022 है हजार बाईस एक जनवरी दो को ठीक है पद ग्रहण किया तो कौन से संगठन का तो यहां पर संगठन आएगा आपका एस अगर हम लोग एस की बात करें तो एस सी के आपका ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना यानी संघाई सहयोग संगठन जिसमें वर्तमान समय पर कितने नौ सदस्य राष्ट्र है अगर मैं आपसे पूछूं, एस में सबसे बाद में कौन सा सदस्य बना सबसे बाद में इसमें कौन सी कंट्री जुड़ी एस में सबसे बाद में कौन सी कंट्री जुड़ी देखिए 2007 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने क्वेश्चन सबसे बाद में नोवा मेंबर कौन बना आ, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का मेंबर नोवा सदस्य नोवा सदस्य कौन बिल्कुल नौ मेंबर है ईरान शेफू गुप्ता बिल्कुल देविका रानी विद्यार्थी दो विद्यार्थियों के इजिप्ट इजिप्ट भी आपने आंसर दिया किस पूर्ति पांडे विद्यार्थी ने आंसर दिया इजिप्ट इजिप्ट भी मेंबर बना था किसी का इजिप्ट बना था लेकिन सबसे मुझे ध्यान है किसका सबसे लास्ट में ईरान मेंबर बना ठीक है ना ईरान ईरान बना था विद्यार्थी इसका सबसे बाद में जो सदस्य ठीक है बाकी नाटो आप जानते हो साउथ एशियन आप सार्क की भी बात करेंगे हम लोग सार्क को आप लोग जानते हो आसियान आसियान में आपके दस सदस्य है आसियान में दस सदस्य है और नाटो में आपके तीस मेंबर हैं देश है साउथ एशियन विद्यार्थी इसमें आठ सदस्य है ठीक है ना इसमें कितने हैं आठ ठीक है आठ नौ दस और कितने हो गए तीस हो गए ना अलग अलग ठीक है ना चले गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेहा विद्यार्थी गुड मॉर्निंग चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी राज्य लोसुंग यानी कि नामसुंग महोत्सव मनाता है ठीक है ना या कहां पर यह त्योहार मनाया गया तो आज के समय पर आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए सवाल आपके हर एक, एक एग्जाम में पूछ रहा है लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये लोशुंग करके लोशुंग जो फेस्टिवल मनाया गया भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है ठीक है ना समझो आपका तो याद रखिएगा ये कौन से राज्य में मनाया जाता है हमारा तो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम में मनाया जाता है कहां पर मनाया जाता है सिक्किम सिक्किम भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है एक सवाल और जल्दी से आंसर दीजिएगा सिक्किम भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और जैसे जैसे लाइव आ रहे हो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेम स्टेटस स्टेटस क्या है एडिटर एक अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलेगा सब सही बहुत बढ़िया सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ करता है बहुत बढ़िया ठीक है ना आप जानते हो सिक्किम जो राज्य है हमारा वो मात्र किसके साथ आपका सीमा साझा करता है तो ये विद्यार्थी आपको याद होगा सिक्किम सिर्फ और सिर्फ यहां से पश्चिम बंगाल के साथ बाकी तो आप जानते हो भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई चीन तिब्बत के साथ विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई किसके सिक्किम के ठीक है ना चलिए अगला सवाल वांगला उत्सव वांगला वांगला उत्सव जैसे आपका बांग्ला उत्सव भारत के कौन से राज्य में तो बांग्ला उत्सव है आपका कहां पर मेघालय गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां पर है मेघालय के अंदर है ठीक है ना और भारत में जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जल नीति लागू करने वाला जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो ये हमारा मेघालय राज्य कौन सा मेघालय ठीक है ना मेघालय में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा तो ये कई एग्जाम में पूछा जाता है आपका नोकरेक।, नोकरेक या नोकरेक आपका नेशनल पार्क कहां पर है तो ये हमारे मेघालय राज्य के अंदर ही है ठीक है ना इतना याद रहेगा चलिए अगला सवाल देखिएगा आरबीआई uh, ने 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य जो मुद्रास्फीति यानी कि सीपीआई ठीक है ना कंज्यूमर प्राइस जो की बात की गई तो अनुमानित यानी आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या अनुमान रहा ठीक तो ये अनुमान है पांच दशमलव तीन प्रतिशत कितना है विद्यार्थियों पांच दशमलव तीन प्रतिशत अब यहां ध्यान दीजिएगा पांच दशमलव तीन प्रतिशत ये रहेगा हमें बात की गई आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है 1935 में इसकी स्थापना होती है एक अप्रैल को इसके लिए एक कमीशन रिकमेंड किया गया था यानी कि कौन से कमीशन के तहत बना था ये तो ये बना था आपका हिल्टन विद्यार्थी आपका हिल्टन कमीशन के तहत बना था हिल्टन आयोग के आधार पर इसका क्या किया गया गठन किया गया ठीक है ना उसके आधार ध्यान दीजिएगा अभी इसके गवर्नर कौन है तो वर्तमान समय पर कौन है शक्तिकांत दास पिछले दो चार दिन में तो नहीं बदले ना शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है चलिए यहां पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्ड प्रोग्राम एमएसपी लॉन्च किया है तो ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया आपका तो भारत पे समझो विद्यार्थियों भारत पे अभी चर्चा में भी था मैंने अभी बताया था कि किन्हीं कारणों से ये अभी चर्चा में रहा था भारत पे निम्नलिखित में से किसे पांच साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है इंटरनेशनल विद्यार्थियों किसके लिए आपका तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन फॉर फाइव ईयर अगले पांच वर्षों के लिए चुना गया तो वो किसे चुना गया आपका बिमल पटेल को चुना गया किसे चुना गया बिमल पटेल अगले पांच वर्षों के लिए के के अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदापण करेगी तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे रट दीजिएगा इसको देखिए पहली बार 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किसका आयोजन होगा तो क्रिकेट महिला क्रिकेट का ठीक है तो महिला क्रिकेट देखिए कहां पर होगा आपका बर्मिंग यूके के अंदर इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं देखिए विद्यार्थी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई बार राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल में वही देश शामिल होते हैं जहां पर कभी अंग्रेजों का शासन रहा होगा और इसी आधार पर मालदीप ने कहा था कि हम इससे बाहर हो जाते हैं। और मालदीप बाहर भी हुआ ठीक है सबसे पहले तो ध्यान देना कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दो हजार में इसका मुख्यालय कहां पर है तो लंदन के अंदर और पहले इसे राष्ट्रमंडल को ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था ठीक है ना इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष सी डब्ल्यू प्रत्येक चार वर्ष बाद यानी से क्या कहते हैं आपका राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल खेलों का क्या किया जाता है आयोजन कराया जाता है ठीक है और इसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपको क्या याद रखना है फर्स्ट याद रखना है लास्ट याद रखना है और अगला याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए थे 1930 में हुए थे लास्ट टाइम कब हुए आपके 2018 में हुए और अगली बार कब होंगे तो इसी वर्ष होंगे 2022 में जिसमें 2022 में महिला क्रिकेट का भी इसको महिला क्रिकेट भी विद्यार्थी इसमें शामिल किया गया ठीक है 1930 में जो पहली बार इसका आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था तो लेविस है यहां पर विद्यार्थी कहां पर सॉरी हैमिल्टन यानी कनाडा के अंदर ठीक है ना हैमिल्टन कनाडा के अंदर अभी आपका कनाडा में आ, विवाद भी कहां पर हुआ था तो गोल्ड कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया में और दो में कहां पर होगा यूके बर्मिंगहम में तो ये जरूर याद रखने एक चीज का ध्यान रखना कि ये प्रत्येक चार वर्षों के बाद चौथे वर्ष में इसका आयोजन होता है समझो चौथे वर्ष में इसका क्या होता है आयोजन होता है तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में बर्मिंग यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका आयोजन होगा ठीक है राष्ट्रमंडल में कितने देश भाग लेते हैं यानी किसके सदस्य होंगे जितने वही भाग लेंगे तो इसके सदस्य कितने हैं चौवन देश हैं। जहां पर कभी अंग्रेजी शासन रहा होगा तो टोटल कितने सदस्य है इसके तो 54 मेंबर कंट्रीयां कंट्रिया इसमें शामिल होती है ठीक है ना चलेगा अगले सवालों पर बढ़ेंगे हम लोग अगला सवाल देखिए अगला सवाल अगला सवाल क्या दिया गया किस राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम की स्थापना की है जिसमें समग्र डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ठीक है तो एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां पर आपका करनाल के अंदर है करनाल यानी हमारे हरियाणा में किस वर्ष बनाया गया था आपका 1900 सत्तर में जब ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट जो रिवॉल्यूशन चला था ठीक है तो यह किया गया आपका किस राज्य के द्वारा असम हरियाणा पूछा गया समग्र डेयरी विकास के लिए समग्र विद्यार्थियों डेयरी विकास के लिए यह एनडीडीबी के साथ क्या किया गया समझौता किया गया तो असम राज्य के द्वारा किया गया ना कि आप लोग कहा आंसर दे रहे हो आंसर आप लोग हरियाणा क्यों दे रहे हो यहां पर हेडक्वार्टर पूछा हुआ है समझ रहे तो ध्यान दीजिए एन डी डी बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका मुख्यालय है करनाल में और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर आपका आनंदा गुजरात के अंदर दोनों में अंतर है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग

गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया और ये भारत का पहला विद्यार्थियों यहां पर क्या पूछा गया कि जिसे चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित किया गया जनवरी 2022 में तो भारत का कौन सा राज्य में है ये तो गंजम जिला विद्यार्थी ठीक है ना कौन सा है गंजम जिला तो कहां पर है उड़ीसा राज्य के अंदर कहां पर है विद्यार्थी हमारा ये उड़ीसा राज्य के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है ना उड़ीसा राज्य में चलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया इसमें लगभग आपके सदस्य राष्ट्र कितने सेवनटी एट अठहत्तर विद्यार्थियों सदस्य राष्ट्र है किसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो यहां पर किसे किया गया उर्जित पटेल पटेल विद्यार्थी पूर्व में आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक उपाध्यक्ष ठीक है? चलिए पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी कि 2022 से प्रति वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये प्रकाश पर्व जो था उसी के आधार पर विद्यार्थियों से मनाए जाने की बात की गई वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो कब 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को ठीक है ना और अगर मैं बात करूं 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट्स में इस सवाल का आंसर दीजिएगा 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है तो ये आएगा आपका गुड गवर्नेंस डे के रूप में सुशासन दिवस के रूप में समझो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या आती है इस दिन बर्थ एनिवर्सरी आती है ठीक है ना चलिए अगला सवाल अगला सवाल क्या पूछा गया भारत रत्न देखेगा डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इनमें से किस व्यक्ति को भारत रत्न विद्यार्थियों डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो यह किया गया किसी विद्यार्थियों हर ही मल्होद्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दो से चलेगा अगला सवाल देखिए उस क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कल बता भी रहा था मैं आपको जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ठीक है ना आईसीसी 1909 में बनता है मुख्यालय आप जानते इसका मुख्यालय कहां पर है इसके वर्तमान समय पर विद्यार्थियों जो चेयरपर्सन है वो कौन है तो ग्रेग वार्किल ठीक है ना वर्तमान समय पर ग्रेग इसके क्या है हेड है या तो यहां पर क्या है का? एजाज पटेल एजाज पटेल का नाम सुना था कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एजाज पटेल मुझे जहां तक या, याद है विद्यार्थियों कि ये न्यूजीलैंड को विद्यार्थियों किसे न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं इन्होंने भी एक इनिंग में जो पूरे के पूरे दस विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास भी है इससे पहले अनिल कुंबले के पास था एजाज पटेल जिन्होंने ठीक है ना हाँ नवंबर मंथ में डेविड को चुना गया था बिल्कुल तो देखिएगा प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए एजाज पटेल को चुना गया था और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक इनिंग में सभी विकेट लेने का यानी रिकॉर्ड इनके पास है इससे पहले ये किसके पास था अनिल कुंबले के पास भी रहा है ठीक है ना चलेगा यहां पूछा गया कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में अगले खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा 2023 में खेलो इंडिया गेमों का आयोजन होगा 2022-23 के लिए तो ये इवेंट कौन होस्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश लेकिन 2000 विद्यार्थी आपका 23 में कहां पर होंगे तो ये होंगे आपके कर्नाटक में होंगे कहां पर होंगे विद्यार्थियों हो? कर्नाटक के अंदर ठीक है ना खेलो इंडिया यूथ गेम अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इनकी शुरुआत कब से हुई तो 2018 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था और कहा से दिल्ली से विद्यार्थियों यानी कि पहली बार इन खेलों का आयोजन कहां से हुआ दिल्ली से दिल्ली से इन खेलों का आयोजन हुआ पहली बार ठीक है ना खेलो इंडिया यूथ गेम इंडो मेबल विद्यार्थी बुक है इंडो मेबल ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है वर्किंग वुमेन्स विद्यार्थियों नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी अरुंधति भट्टाचार्य अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी है जो जनवरी 2022 में रिलीज हुई थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो किसके द्वारा दिया जाता है और 2022 में किस टेलीविजन सीरीज को सर्वश्रेष्ठ आपका ड्रामा कैटेगरी के लिए इसने सर्वश्रेष्ठ टीवी जो कैटेगरी सीरीज में विद्यार्थी ठीक थी। है ना पहले तो याद रखेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉरेन विद्यार्थियों हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है कब से 1943 से 1943 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं और किसे मिला विद्यार्थी आपका तो ये मिला था आपका किसे तो यहाँ पर क्या आएगा सक्सेशन को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसका हिंदी तो छोड़ दीजिएगा कुछ अलग ही लग रहा है इसका हिंदी ठीक है ना <laughs> ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए सवाल पूछा गया विश्व बैंक यानी कि विश्व बैंक ने जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर होने का अनुमान लगाया था कि कितना रहेगा विद्यार्थियों तो ये रहेगा आपका आठ दशमलव विद्यार्थियों तीन प्रतिशत ठीक है अगर हम लोग एक फिजिकल ईयर की बात करें या फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है कब होता है तो ये अप्रैल कहां से शुरू होगा विद्यार्थियों हो? अप्रैल फर्स्ट से शुरू होगा और मार्च अगले वर्ष मार्च में क्या हो जाएगा आपका समाप्त तो हो जाएगा ठीक है वित्तीय वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद्यार्थियों क्या है वित्तीय वर्ष अब आज से बजट प्रारंभ होगा बजट सत्र शुरू होगा तो ये बजट कब की एक अप्रैल 2022 से और मार्च विद्यार्थियों 2023 तक का बजट सेशन रहेगा ठीक है उसी तरह से अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता होता है, है? वो कब से आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो वो शुरू होता है आपका जुलाई से लेकर जून तक यानी कि आपका 2022 जुलाई में शुरू होगा तो अगले वर्ष विद्यार्थियों कब तक रहेगा जून तक रहेगा जून लास्ट ठीक है और भारत में मात्र एक मध्य प्रदेश राज्य सरकार है जिसका वित्तीय वर्ष विद्यार्थियों जनवरी एक से शुरू होगा और दिसंबर इकतीस को समाप्त होता है एक मात्र जिसका है। चलेगा ठीक है ना अभी क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दीजिए आप लोग चलिए अभी कुछ और चीज बताने वाला था मैं आप लोगों को अब ध्यान हट गया विद्या ठीक है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे हम लोग प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों उन्नीस से मनाते आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विद्यार्थियों ठीक है ना स्वामी विवेकानंद जी की क्या आती है आपका बर्थ एनिवर्सरी पर ठीक है ना स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता ठीक है कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है हां जितने भी विद्यार्थी हमारे प्रेजेंट हैं और आप लोगों का अब सात बजे एग्जाम 2020 क्लास सात बजे नहीं हो पाएगा एग्जाम विद्यार्थियों 2022 हो चुका है हमारा जिसमें करंट बेस्ड आपका स्टैटिक का क्लास रहता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जोग्राफी कंप्यूटर सभी चीजें आप लोगों के इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए उस बेस पर ठीक है तो इस क्लास को हम लोग टाइमिंग बता दीजिएगा क्योंकि इवनिंग में तो आपका सात से आठ बजे मेरी दूसरी क्लास है शाम को विद्यार्थियों सात से आठ हुआ करती थी ये क्लास अब ये क्लास सात से आठ नहीं हो पाएगी क्योंकि उस समय पर मेरी हेड uh, ऑपरेटर की क्लास है तो इसका टाइमिंग हम लोग इसे टाइमिंग यही रखते हैं बस मॉर्निंग कर लेते हैं इसको सात से आठ हैं ठीक है ना आठ पीएम पर कर दीजिएगा उस समय आपकी आपकी लगातार हो जाएगी समझो चार बजे से लेकर रात के दस बजे तक फिर लगातार क्लासें हो जाएगी जो संभव तो आप लोग नहीं देख पाएंगे उससे बेहतर है कि अर्ली मॉर्निंग में आपकी कोई क्लास तो है नहीं सात से आठ सात से आठ सा कोई क्लास होती है आपकी मॉर्निंग में या 9 से 10 सुबह मॉर्निंग में 9 से 10 कोई क्लास नहीं होती है ठीक है तो क्योंकि इवनिंग में आपकी लगातार क्लास हो जाएगी और वो उस समय पर आप लोग डिनर वगैरह की तैयारी भी करते हैं खाना बनाना भी तो होता है ठीक है ना तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे अभी तो आप लोगों के साथ ही चर्चा करेंगे पहले तो या तो मॉर्निंग में सात से आठ कर लेते हैं या फिर नौ से दस कर लीजिएगा मॉर्निंग में नौ से दस कोई क्लास है नौ से दस भी नहीं है शायद आप लोगों की कोई क्लास ठीक है ना अनिल कुमार विद्यार्थी हमें कह रहे कि सर एक बार चेक कर लीजिएगा नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा सर हमने चेक किया था आनंदा गुजरात में ही है सर अच्छा एक बार दोबारा से मैं चेक कर लूंगा अगर जहां तक अनिल बच्चे देखिए पहले भी आपने भेजा था और क्योंकि मैं आपको बता दू क्योंकि मुझे जो याद है नेशनल विद्यार्थी आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है Board, ना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका कब बना था तो 1970 में 1970 में इसलिए कि उस समय पर क्या चली थी आपकी श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति आप जानते हो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो एमएस विद्यार्थी यहां पर किसका नाम आएगा नहीं वर्गिस कुरियन यहां पर किसका नाम आएगा वर्गिस कुरियन का नाम आएगा ठीक है ना वर्गी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है ठीक है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1970 में जो की गई थी वो करनाल हरियाणा में की गई थी करनाल विद्यार्थियों हरियाणा में की गई थी और उस समय पर भारत में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन विद्यार्थियों फ्लड यानी कि ठीक है ना जो

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो काउंसिल है यानी काउंसिल का मतलब क्या होता है आपका राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद इसे क्या कहते हैं आपका परिषद ठीक है और ये क्या है आपका? है। दोनों में अंतर है एक परिषद है विद्यार्थी और एक क्या है बोर्ड और बोर्ड कहां पर आपका ये है आनंदा आनंदा यानी कि कहां पर हमारे गुजरात के अंदर अब तक मुझे जो ध्यान है ये एक बार चेक कर लेंगे फिर भी एक बार चेक कर लेंगे ठीक है ना काउंसिल तो आपका कहां पर है वो काउंसिल है इस मुझे परिषद और बोर्ड दोनों में थोड़ा अंतर था ये बोर्ड था और ये काउंसिल था समझो एक बोर्ड है विद्यार्थी क्या है काउंसिल है ठीक है चलिए तो जो एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी टू की जो हमारी क्लास है विद्यार्थियों स्टैटिक uh, जीके वाली क्लास है इसका भी समय शाम को सात बजे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय पर मेरी हेड uh, ऑपरेटर की क्लास है आज से ही तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा जो भी टाइमिंग आपको सही लगती है और मेरे हिसाब से मॉर्निंग में आप लोगों की शायद कोई क्लास नहीं है तो मॉर्निंग में रख देंगे ठीक है ना चाहे वो आपका 20 मिनट हो चाहे 25 मिनट हो चाहे 30 मिनट हो लेकिन सुबह या तो सात बजे या नौ बजे सुबह को हम लोग उस क्लास को रख लेंगे ठीक है ना तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं बिल्कुल या तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा या इन्हीं वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख के भेज दीजिएगा जो भी सवाल मैंने आपसे पूछा है हाँ सात से आठ बढ़िया है ना सात से आठ मेरे पास भी कोई क्लास नहीं है उस समय पे और मेरे लिए भी ठीक रहेगा आप लोगों के साथ आके स्टैटिक जी के पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे है ना किसी दिन किसी टॉपिक पर जैसे कभी जनगणना को उठा दिया जनगणना पे चर्चा कर ली ठीक है कभी विद्यार्थी आपका जो राजकोषीय घाटा क्या होता है इकोनॉमिक्स में इन टॉपिकों पर भी चर्चा कर लेंगे ठीक है और सवाल भी रख लेंगे ठीक तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हम लोग अगली क्लासों में तब तक के लिए धन्यवाद हाँ सात से आठ सही है ना मॉर्निंग में ठीक है बच्चों ठीक